लोकसभा चुनाव भीषण गर्मी के बीच हो रहे हैं, ऐसे में मतदान के साथ साथ अपने आप को गर्मी से बचाए रखना भी जरूरी है। पूरे देश के साथ राजधानी शिमला में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी से लोग परेशान हैं। चुनाव आयोग ने हीट वेव से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। अगर एडवाइजरी का ध्यान रखा जाए तो भीषण गर्मी में मतदाता अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे में घर से बाहर निकलने पर धूप से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय कर रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में शरीर में पानी की कमी ना हो, इसके लिए डॉक्टर राय दे रहे हैं कि घर से पर्याप्त पानी पीकर ही निकलें। IGMC मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय राठौर ने गर्मी व लू से बचने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। क्या है वो टिप्स, जानिए। ये बहुत बड़ा आजकल हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय हो गया है कि जो हीट वेव, जो टेम्परेचर है, जो आपने भी आजकल अभी आपके माध्यम से भी देखा गया है, और कि हमारे प्रदेश में एज वेल एज पूरे देश में जहाँ जहाँ दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं कि 50 से ऊपर टेम्परेचर चला गया है। हमारे स्टेट में भी ऊना में 46 टेम्परेचर लास्ट दो दिनों में पहले नोट किया गया है। तो इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, तो इसलिए जो ये बहुत आजकल बहुत एक चिंता का विषय हो गया है हमारे देश और प्रदेश के लिए कि जो हीट वेव से आपने देखा होगा दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक आजकल काफ़ी लोगों को जो हीट वेव और लू जो जिसको कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और काफ़ी लोगों की मृत्यु भी इसमें हो गई है। तो आप जानते हैं कि आजकल आप बिना बाहर जाए आपके सर्वाइवल नहीं है। हमारा किसी का भी काम करने के लिए हम सबको निकलना पड़ेगा। तो आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट जो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके ऊपर हमारे सभी जो ऑर्गन हैं, जो हमारे सब शरीर के अंग हैं, वो काम करते हैं। और इसमें क्या होता है कि पानी का भी हमारे इसमें जो है बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और हीट वेव और जो हीट जो आपकी गर्म हवा है उसकी वजह से जो है वो हमारी बॉडी से पसीना वगैरह निकलता है, और वो पसीना जो है कुछ एक फ़ायदेमंद भी होता है, कई बार घातक भी सिद्ध हो जाता है। तो एज यूजल जो अगर बहुत ज़्यादा पसीना और पानी जो बाहर निकल जाता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एक टेम्परेचर वेरिएशंस हो जाती हैं, और उससे हमारे को जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर इसका टेम्परेचर जो है 45 डिग्री, बॉडी का टेम्परेचर अगर 45 डिग्री के ऊपर चला जाता है तो इसमें हमारे शरीर की जो कूलिंग है वो जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और इसकी उसको करने के उसको अगर ठीक अगर इसके ठीक नहीं किया गया है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर ज़्यादा रहेगा तो आपको पता है कि जैसे आप अंडे को उबालते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद तो उसका जो लिक्विड वाली फॉर्म है वो सॉलिड हो जाती है। तो उसी तरह के हमारे जो शरीर की जो प्रोटीन्स हैं वो भी काफ़ी इसमें जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं वो सॉलिड हो जाती हैं, और उनसे जो है हमारे और उसी तरह से हमारे ब्लड में भी इस तरह की पाई जाती है, और हमारा ब्लड भी सूख जाता है, और इसकी वजह से पेशेंट को जो है वो जो प्रोटीन है वो पकने लगती हैं, और स्नायु जो हैं वो बिना प्रोटीन्स के जो भी हैं वो उनको जो है वो दिक्कत आ जाती है, और वो अपने पूरी तरह से अपना काम नहीं करते हैं। और ब्लड में भी इस तरह की प्रोटीन्स होती हैं, और वो भी कम अगर हो जाती है तो उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और अगर महत्वपूर्ण अंगों को हमारे ब्लड की ज़रूरत होती है और वो नहीं मिल पाती है, और उसकी वजह से जो वो लास्ट में जो है पेशेंट जो है वो कोमा में चले जाते हैं, और उस तरह से जो है उनका कोई भी अंग जो है वो काम नहीं करता है और मृत्यु हो जाती है। और इसी तरह से जब आपने ये बात कही है कि अब चुनाव भी हैं और एक बहुत हमारा जो एक दायित्व बनता है कि हम सबको जो है वो बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेना चाहिए, और सबको इसमें जो है वो अपना पार्टिसिपेशन करनी चाहिए, जो चाहे बुजुर्ग हों, चाहे गर्भवती महिलाएं हैं, और जैसे एक आम जनता है, तो उन सबका जो है इसमें अच्छी सरकार चुनने में जो है वो हमारा सबका एक रोल होना चाहिए, और इसमें जो है हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। लेकिन इस तरह की जो स्थिति है इसमें जो बोलते हैं, जैसे कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुछ एक चीज़ें जो हैं वो आपकी हीट एब्जॉर्प्शन करती है, और उसकी वजह से जो है वो इसमें हमारी बॉडी के हीट को कम करने में हेल्प करती है। तो इसमें प्याज भी एक उनमें से एक चीज़ है, जैसे कि प्याज हो गया, आपका जो दही होगी उसको भी कहते हैं कि बहुत अच्छी है, उसका भी फायदा देखा गया है। सिट्रस फ्रूट्स हो गए हैं, आपका खीरा हो गया है, और इस तरह से ये चीज़ें जो हैं
जो है वो इसके लिए फायदेमंद देखी गई है। सर गर्मी के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आजकल जो काफ़ी लोग जो हैं वो इस तरह से कि ज़्यादा पीड़ित होते हैं, तो इस लू की और हीट वेव के लिए जो ज़्यादा प्रोन पाए गए हैं, उनमें से जो सबसे बड़े जो हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं होंगी, और जो कुछ अपनी बीमारियों से उलझे हुए हैं, जैसे कि खासकर मेंटल इलनेस वाले जो लोग हैं, और कुछ लोग जो जिनको अपने काम करने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए जो है वो बाहर जाना पड़ता है, वो लोग जो हैं, और मोटे लोग, और ज़्यादातर लोग जो अगर अल्कोहल पीते हैं वो लोग भी इसके लिए काफ़ी प्रोन हैं। सर ऐसे कौन सी चीज़ें जो गर्मी को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं? इसमें कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर सबसे ज़्यादा जो है वो ठंडा पानी पीने, और जो ये चीज़ें हमने बताई आपको कि दही और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो इसमें काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। वेरिएशंस हो रही हैं उसको देखते हुए हम सबको जो है एक तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की इसमें आवश्यकता होगी। सबसे पहले कि हम जब भी बाहर जाएं तो ये अपना ये छाता या जो भी, अगर मतलब आपके पास छाता नहीं है तो कोई भी गमछा या कोई टॉवल वगैरह जो है वो आप सिर के ऊपर रख सकते हैं। जबकि दूसरा, आप जो है खूब पानी पिए, कम से कम भी आपके पूरे दिन की जो पानी की क्षमता होनी चाहिए वो 3 से 4 लीटर होनी चाहिए एक नॉर्मल आदमी में, और जो किडनी से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं उनमें जो है वो 4 से 5-6 लीटर तक पानी पीना चाहिए। और जब भी आप बाहर निकलेंगे तो पानी अपने साथ लिए, और अगर ज़्यादा पानी नहीं पी पाते तो थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, और घर से खाना खा करके निकलें, और लंबी कतारों में लगने के बजाय आप जब भी अपना बारी का रजिस्टर करा लें और अपने छाया में बैठ करके अपनी बारी का इंतज़ार करें। और मैं चुनाव आयोग से भी यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो भी जो है थोड़ा टाइम जो है, अगर जैसे सुबह का टाइम जो है 8 बजे के बजाय 7 बजे या मतलब पोस्टपोन कर दें, ताकि जो उस टाइम जो है शाम को जो है वो तो टेम्परेचर जो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस दौरान जो एक्सटेंशन दे दें, ताकि जो है लोग जो है बढ़ चढ़ करके इस चुनावी माहौल में जो अपना पूरा अपना जो दायित्व है उसको पूरी तरह से निभा सकें। नहीं तो कई लोग जो हैं वो इस गर्मी के कारण जो है वो चुनाव भाग नहीं ले पाएंगे, और इस तरह से उनका वो जो एक महत्वपूर्ण आपका जो अपना एक जो हमारा एक दायित्व है उसको नहीं निभा पाएंगे। और बुजुर्गों और महिलाओं के लिए भी यही है कि वो अगर उनकी जो टाइमिंग है वो सुबह और शाम। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।